now let us see exercise 12.3 question number one is find the area of shaded region if pq is equal to 24 centimeter pr is equal to 7 centimeter and o is the center of the circle then you have to find out area of shaded region all of you see in the figure here

सेमी तो सर्कल का निकालने के लिए आपको रेडियस चाहिए रेडियस मीन्स ओ क्यू चाहिए या अगर आपको क्यू आर मालूम हो तो ओ क्यू निकाल सकते हैं तो यहाँ पे क्यू आर आपको नहीं मालूम है ठीक है तो इसके लिए आपको पी क्यू दिया हुआ है और पी आर दिया है तो आप क्यू आर निकाल सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं देखिए क्यू आर इज द डायमीटर देयर फोर आर पी क्यू इज ए सेमी सर्कल

is equal to 90 degree. So by Pythagoras theorem, we can say that QR square is equal to PQ square plus PR square. So QR square is equal to PQ square is given PQ that is 24 centimeter, 24 centimeter square plus PR is 7 centimeter square. 24 square that means 576 plus 49 it comes out 9 plus 6 15 5 carry 1s 2 or 6 625 therefore QR is equal to square root of 625 that is equal to 25 centimeter so radius is 25 cent uh, diameter is 25 centimeter Radius is equal to 25 by 2 centimeter. Now you got the radius. Now find the area of semicircle. Area of semicircle that is equal to 1 by 2 pi r square. That is 1 by 2 pi 22 by 7 r square means 25 by 2 into 25 by 2.

It is area of semicircle. Now you have to find out area of triangle, then minus it. So you get area of shaded region. Area of triangle that is equal to area of triangle that is half base into height that is equal to half base is 7 centimeter and height is 24. 212. ट्वेल्व सेवन या नाइन्टी एट सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल कम्स आउट 84 सेंटीमीटर स्क्वायर देयर एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन एरिया ऑफ सेडेड रीजन या पोर्शन दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस

मल्टीप्लाई कर ले हम टू थ्री फाइव टू टू थ्री फाइव टू बाई ट्वेंटी एट अब माइनस कर लीजिए फाइव माइनस टू थ्री सेवन माइनस फाइव टू एट माइनस थ्री फाइव सिक्स माइनस टू फोर फोर फाइव टू थ्री बाई ट्वेंटी एट सेंटीमीटर स्क्वायर इट इज योर आंसर चाहे तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं नहीं तो यहीं तक आंसर छोड़ सकते हैं आप सी नेक्स्ट क्वेश्चन टू फाइंड ऑफ सेवन सेंटीमीटर एंड फोर्टीन सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड एंगल equal टू 40 डिग्री देखिए आपको shaded region निकालना है ये देख रहे हैं ए सी ये एक सेक्टर है एरिया ऑफ सेक्टर और बी ओ डी भी एक सेक्टर है तो ये बिगर सेक्टर हो गया और ये स्मॉलर सेक्टर तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल सेक्टर में से एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर अगर माइनस कर दें, तो ये एरिया ऑफ सेटेड पोर्शन आ जाएगा तो आप कह सकते हैं एरिया ऑफ सेटेड रीजन चाहे तो अलग अलग निकालने या एक साथ भी कर सकते हैं एरिया ऑफ सेटेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर बिग सेक्टर के लिए कैपिटल आर ओ या इसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर दैट इज टू इट इज गिवन 14 सेंटीमीटर एंड स्मॉल ओ बी ओ बी स्मॉल आर इज गिवन 7 सेंटीमीटर एंड एंगल ए ओ सी या ए डी जो भी कहें ये दिया है 40 डिग्री एंगल एडी क्टर you know, का भी थीटा बाई थ्री सिक्सटी इंटू पाई स्मॉल केवल रेडियस अलग अलग है थीटा बाई थ्री सिक्सटी पाई कॉमन ले सकते हैं तो थीटा वाई थ्री सिक्सटी

स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा स्क्वायर करके माइनस कर दे तो हम फार्मूला लगा देते हैं A B, A B. तो 14 7, 7 आ गया कैंसिल जा जा कम्स आउट इज सेंटीमीटर

देखिए इस क्वेश्चन में ये स्क्वायर का साइड दिया है 14 सेंटीमीटर ये जो 14 सेंटीमीटर हुआ ये सेमी सर्कल के लिए डायमीटर का वर्क करेगा रेडियस रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज इज इक्वल टू दैट सेंटीमीटर तो आप कह सकते हैं फोर्टीन बाई टू दैट इज सेवन सेंटीमीटर तो आपको एरिया ऑफ सेडेड पोर्सन निकालना है तो एरिया ऑफ सेडेड पोर्सन देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लें और एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल निकाल लें एरिया ऑफ सेमी सर्कल एपीडी और एरिया ऑफ सेमी सर्कल बीपीसी निकाल कर माइनस कर देंगे तो सेडेड रीजन आ जाएगा देखिए तो पूरे में से ये दोनों माइनस करने से ये पोर्शन आ जाएगा पोर्शन एरिया ऑफ सेडेड पोर्सन तो पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ऑल ऑफ यू नो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इनटू साइड साइड स्क्वायर यह साइड इज गिवन 14 सेंटीमीटर इनटू 14 सेंटीमीटर

154 centimeter square. Therefore, area of shaded portion, area of shaded region, a portion that is equal to area of square minus area of two semicircles that is equal to 196 minus 154 that comes out. 6 minus 4, 2, 9 minus 5, 4, 42 centimeter square. It is your answer. Area of shaded portion is equal to 42 centimeter square. Now, let us see question number 4. Find the area of shaded region in figure where a circular area of radius 6 centimeter has been drawn with a vertex O of an equilateral triangle OAB. Of side 12 centimeter as center. Here, yeah. OAB is equilateral triangle, it is given of side 12 centimeter. OA is equal to OB is equal to AB. That is equal to 12 centimeter, it is given. And radius is 6 centimeter. Radius of circle is 6 centimeter, then you have to find out. एरिया ऑफ सेडेड पोर्सन देखिये एरिया ऑफ सेडेड पोर्सन ये पूरा पोर्सन सेड है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लें एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ सर्कल दोनों को प्लस कर ले तो पूरा आ जाएगा लेकिन ये पोर्सन जो है दो बार आ जाएगा ये पोर्सन ट्राइंगल में भी आ जाएगा और सर्कल में भी आ जाएगा तो आप क्या करें एरिया ऑफ सेडेड पोर्सन निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ फॉर ऑफ सेक्टर इस सेक्टर का एरिया निकाल लें एरिया ऑफ सेक्टर इसका रेडियस सिक्स सेंटीमीटर जो सर्कल का रेडियस है और थीटा निकाल लेंगे थीटा आप जानते हैं ये इक्विलेटरल ट्रगल है देयर फोर ए ओ बीज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री बिकॉज वी नो दैट ऑल एंगल ऑफ इक्वेलेट्रल ट्रगल इज सिक्सटी डिग्री सो थीटा दैट इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट

2, 3, just 6 or 1, 7, 2, 7, that comes out 792 by 7 centimeter square. Now, you have to find out area of sector, area of sector, that is equal to theta by 360 into pi r square, theta, 60 degree. Okay, all angle of equilateral triangle is 60 degree, therefore angle AOB is equal to 60 degree. So, 60 by 3, sixteen into pi, 22 by 7, r square means 6 into 6. 0, 0 cancel. 6, 6, 36. 6, 6 cancel. So, 6, 2, 0, 12. 6, 2, 12, or 1. 132 by 7 centimeter square. So, area of shaded portion, area of shaded portion, that is equal to area of triangle plus area of circle minus area of sector क्योंकि ये दो बार आया है पहले ही समझा चुके हैं आपको कि ये पूरा एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस किए तो पूरा आ गया और ये दो बार आ गया इसको माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस किए इसका एंगल आपको बताया है एंगल ए ओ बी सिक्सटी डिग्री क्योंकि ऑल एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सिक्सटी डिग्री होता है इसमें मैं रख दे अब एरिया ऑफ ट्रेंगल आया है देखिए थर्टी सिक्स रूट थ्री प्लस एरिया ऑफ सर्कल सेवन हंड्रेड नाइन टू बाई सेवन माइनस वन हंड्रेड थर्टी टू बाई सेवन डेट इज इसको माइनस कर लीजिए ये थर्टी सिक्स रूट थ्री रहने दीजिए प्लस टू माइनस टू जीरो नाइन माइनस थ्री सिक्स सेवन माइनस वन सिक्स तो सिक्स हंड्रेड सिक्सटी बाई सेवन आ गया प्लस थर्टी सिक्स रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर दट इज एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन तो आप चाहे तो इसको जो है थर्टी सिक्स रूट थ्री रूट थ्री की वैल्यू वन पॉइंट सेवन रख के मल्टीप्लाई कर ले इसको डिवाइड कर ले माइनस कर दे ये भी आंसर होगा नहीं तो यहीं तक छोड़ दें ये आंसर भी करेक्ट है आपका नो सी क्वेश्चन नंबर फाइव

एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दें तो एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन आ जाएगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए साइड दिया हुआ है फोर सेंटीमीटर और रेडियस इसका ये दिया है वन सेंटीमीटर और इसका डायमीटर टू सेंटीमीटर दिया है तो इसका रेडियस भी वन सेंटीमीटर हो जाएगा जो बीच में सर्कल है उसका डायमीटर टू सेंटीमीटर दैट इज मीन्स रेडियस इज वन सेंटीमीटर सो एरिया ऑफ स्क्वायर

That comes out 22 by 7 सेंटीमीटर स्क्वायर Now area of four quadrant। जो चारों किनारे बन रहे हैं वो quadrant का फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि 90 degree होगा ये एंगल तो ये quadrant बनेगा Area of quadrant क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आप जानते हैं 1 by 4 pi r square, और four quadrant है तो into 4. Four four कैंसिल हो गया ये भी आ गया pi r square, means 22 by 7 into इसका भी रेडियस 1 है that comes out 22 by 7 centimeter square so area of shaded portion area of shaded region that is equal to area of square minus area of middle circle minus area of four quadrant

10 minus 4, 6 by 7, 68 by 7 centimeter square. It is your answer.